नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के बारे में बात करने वाला है, जिसके तहत फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाता है। घर बैठे अपने मोबाइल या पीसी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कनेक्शन में दोस्तों आपको 14 kg के भरा हुआ एक सिलेंडर, एक पाइप और एक चूल्हा के साथ साथ एक रेगुलेटर दिया जाता है। इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी इंटरनेट ब्राउजर को ओपन करेंगे, चाहे अपने मोबाइल या पीसी से कर रहे हैं, गूगल में सर्च करेंगे उज्ज्वला योजना। फर्स्ट वाला जो लिंक है pmuy.gov.in, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां से आ सकते हैं। इस साइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार मिलेगा। नीचे आएंगे, नीचे में आप जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ PMUY स्कीम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाला जो स्कीम है, इसके तहत क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या बेनिफिट है कस्टमर के लिए, आपको यहाँ नीचे फॉर्म मिल जाएगा। आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर जो कि गैस एजेंसी खोजना चाहते हैं, आपका नज़दीक में कौन सा गैस एजेंसी है, आप यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से खोज सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ है अप्लाई फॉर PMUY कनेक्शन, ऊपर पे आपको क्लिक है, इस पर क्लिक करेंगे आपका न्यू फॉर्म खुल करके आ जाएगा। नहीं तो आपको ऊपर में शो कर रहा होगा अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक है, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों उज्ज्वला कनेक्शन के तहत जो कनेक्शन दिया जाता है, इसमें तीन कंपनी है, पहला है इंडियन, दूसरा है भारत गैस, तीसरा है HP गैस। आपका नज़दीक में जिस भी कंपनी का एजेंसी है उसी का अप्लाई करें, ताकि आपको रिफ़िल करवाने कोई परेशानी आगे नहीं हो पाए। दोस्तों नज़दीक में HP है, HP के आगे क्लिक है टू अप्लाई, या आप भारत गैस का करना चाहते हैं ठीक उसी प्रकार क्लिक है टू अप्लाई, इस पर क्लिक करेंगे भारत गैस। दोस्तों HP गैस के जो आगे है इस पर क्लिक करेंगे, न्यू टैब ओपन होकर के आ जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों फर्स्ट में आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, आपको सेकंड वाला सेलेक्ट करना है उज्ज्वला बेनिफिशरी कनेक्शन। नीचे आएंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। पहले इसमें डिस्ट्रीब्यूटर नेम डालने के लिए आ रहा है, आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर का नेम पता है तो डिस्ट्रीब्यूटर का नेम से भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आपको लोकल वाइज आप यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर दिए। फिर नीचे आएंगे, इसमें स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर आपको सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। आप जिसको भी सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों नीचे आपको डिस्ट्रीब्यूटर एड्रेस शो करेगा, उसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर शो करेगा, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, फॉर्म खुल करके आ गया है, इस पर टिक करेंगे। दोस्तों अगर आपका करंट एड्रेस आधार कार्ड में जो एड्रेस है सेम है तो इस पर टिक कर देंगे, इसमें अपना आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद नीचे कैप्चा डालेंगे जो नीचे शो कर रहा है, जनरेट OTP इस पर क्लिक कर देंगे, उसके नीचे आएंगे, इसमें पर्सनल डिटेल लिया जा रहा है, जो आप डिटेल डाल रहे हैं महिलाओं के नाम से ही डालिए, क्योंकि उज्ज्वला कनेक्शन के तहत जो भी कनेक्शन दिया जाता है महिलाओं का ही नाम से दिया जाता है। सिलेक्ट कर लेंगे मिस मिसेज जो भी है, फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे कैलेंडर के अनुसार, नीचे कास्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके नीचे आएंगे। दोस्तों इसमें आधार डिटेल डालना होगा, इसमें आधार कार्ड कब इश्यू किया गया है डेट डालेंगे, नीचे आधार नंबर डालेंगे, चेक डुप्लीकेट इस पर क्लिक कर देंगे, अगर आपका कहीं अप्लाई है तो यहाँ पे डुप्लीकेट शो कर देगा। नीचे आएंगे, इसमें कनेक्शन के लिए इंफॉर्मेशन डालना होगा, एड्रेस डिटेल, अगर आप आधार कार्ड में वहाँ पर टिक कर रहे हैं
तो शुरू में आपका ऑटोमेटिक एड्रेस यहाँ पर भी फिल हो जाएगा आधार कार्ड के अनुसार, या मैनुअली टाइप करना चाहते हैं तो मैनुअली कर सकते हैं। इसमें बिल्डिंग नेम, स्ट्रीट नेम, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, दोस्तों इस ऑप्शनल है, ऑफिस फोन, ईमेल आईडी और रेसिडेंस फॉर्म। नीचे आएंगे दोस्तों, इसमें आपको बैंक डिटेल फिलअप करना होगा। पहले आधार नंबर डालेंगे अपना, उसके बाद आईएफएससी कोड डालेंगे, कन्फर्म आईएफएससी कोड डालेंगे। दोस्तों जैसे ही आईएफएससी कोड डाल करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपका ब्रांच नेम शो कर देगा। बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, इसमें भी कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। नीचे आपका बैंक अकाउंट में क्या नाम है, बैंक पासबुक के अनुसार इसमें नाम डाल देंगे। उसके नीचे आएंगे, एलपीजी कनेक्शन डिटेल लिया जाएगा, आप कौन सा सिलेंडर लेना चाहते हैं। दोस्तों 14.2 केजी का है, इसको सिलेक्ट रहने देना है। आप प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या देना चाहते हैं, आधार कार्ड लगा सकते। नीचे आएंगे, इसमें एड्रेस प्रूफ जो अभी आधार कार्ड को सेलेक्ट किए हैं, आधार नंबर इसमें डाल देंगे। उसके नीचे आएंगे, आपको अपलोड करने के लिए मिलेगा। दोस्तों अपलोड जो करते हैं इसमें JPG या JPEG या GIF, PNG, PDF, ZIP फाइल में ही रहना चाहिए, मैक्सिमम 300 KB का होना चाहिए। आधार कार्ड को अपलोड करेंगे, नीचे एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड लगा रहे हैं तो आधार कार्ड को इसमें भी सिलेक्ट करेंगे यानी अपलोड करेंगे। पासपोर्ट साइज फ़ोटो को अपलोड करेंगे, राशन कार्ड अगर आपको राशन कार्ड है तो राशन कार्ड को अपलोड करेंगे, या आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो यहाँ पर नीचे आपको डाउनलोड फॉर्म फैमिली इस तरह का मिल जाएगा। दोस्तों इस तरह का फॉर्म मिलेगा, आप अपना पर्सनल डिटेल डाल करके, मेंबर जो है नीचे आपके यहाँ शो करेगा कितना मेंबर है, इसमें मेंबर का नाम डालेंगे, जैसे हस्बैंड है हस्बैंड का नाम डालेंगे, वाइफ है आधार नंबर डालेंगे, रिलेशनशिप क्या है, वाइफ हस्बैंड सन डॉटर, जेंडर डालेंगे मेल फीमेल, इसमें डेट ऑफ बर्थ डालेंगे सभी का, आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए। नीचे आप अपना साइन कर देंगे। दोस्तों नीचे आपको फैमिली डिटेल डालना होगा, आपके परिवार में कितना मेंबर है। दोस्तों इसमें रिलेशनशिप को सेलेक्ट करना होगा, इसमें नेम डालना होगा, आधार नंबर उनका डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, एज डालना होगा। दोस्तों और भी मेंबर हैं फैमिली में, 8 मेंबर करेंगे, इसको फिलअप करने के बाद 8 मेंबर करेंगे, न्यू रो इंसर्ट हो जाएगा, आप उसमें दोबारा डाल सकते हैं। यहाँ पर आई एक्सेप्ट, इस पर डिक्लेरेशन को टिक करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, उस रेफरेंस नंबर को सेव करके रख लीजिए। उसके बाद आप जो भी डिस्ट्रीब्यूटर का डिटेल डाले हैं वहाँ पर आपका डिटेल चले गया होगा। कुछ दिन के बाद दोस्तों एजेंसी से फ़ोन आएगा कि आपका कनेक्शन कट गया है। स्टेटस चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर नीचे है लेफ्ट साइड में चेक स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे, इसमें उज्ज्वला को सेलेक्ट करेंगे, रेफरेंस नंबर जो अभी जनरेट हुआ है आपको रिसीविंग में जो रेफरेंस नंबर दिया गया है इसको डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, चेक स्टेटस इस पर क्लिक कर देंगे, आपका नीचे शो कर देगा आपका स्टेटस क्या है। यही कंप्लीट प्रोसेस है दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत फ्री में कैसे गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं। आई होप कि दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा।